नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी इवन प्रेडिक्शन में। दोस्तों मैं जो मैच कवर करने वाले हैं बैजू पॉन्डिचेरी टी10 का मैच नंबर 15, जो कि दोस्तों में खेला जाएगा केजीएस पे से टीआईटी टीम्स के बीच डिप्लेंस करेंगे स्पीड में फुल स्टेज पोजन पो। दोनों टीमों के एक एक प्लेयर के स्टेट्स अकॉर्डिंग टू बैटिंग ऑर्डर से आपको बता दूंगा। इस मैच का टीम कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है हमारा, वो भी आपको इसी वीडियो से मिलने वाला है। दोस्तों वीडियो लाइक करके अपने शुरुआत करना। फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो अपने जल्दी से आगे हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना। लिंक दिया हुआ है इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, फर्स्ट कमेंट पिन किया हुआ लिंक पर क्लिक करके तुरंत आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों कभी कभार यदि वर्क ना करें तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम पर सर्च करके चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाकर सर्च करें @realFWP, आपको फैंटेसी विन प्रेडिक्शन का चैनल दिखेगा। 19,300 के आसपास सब्सक्राइबर का चैनल होगा, वही हमारा एकमात्र रियल चैनल है, और उसी चैनल को आपने ज्वाइन करना। दोस्तों हम बात कर लेते हैं मैच की, तो मैच सबसे कुछ देर बाद दोपहर में 2 बजे से स्टार्ट होगा, और दोस्तों मैच होने वाला है क्रिकेट एसोसिएशन पॉन्डिचेरी के अंदर मैच खेला जाएगा। यदि बात करें दोस्तों मैं कि विकेट की, तो अभी तक इस टूर्नामेंट के मैचेस जिस विनों पे खेले गए हैं ओवरऑल विकेट बैलेंस दिखा है। यदि स्कोरिंग की बात करें तो आपको यहाँ पर 100-120 के बीच स्कोरिंग बनती हुई दिख सकती है। पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं केजीएस टीम्स की, तो इस टीम ने अब तक इस टूर्नामेंट में 3 मैच खेले हैं, एक मैच में जीत हासिल किया हुआ है, एक मैच में हार का सामना करना पड़ा, एक मैच इनका टाई भी हो गया था। और दोस्तों उनकी तरफ से आपको ओपनिंग करते हुए देखेंगे अरविंद राज, जो कि विकेट की बल्लेबाज है, राइट हैंड बैट्समैन है। 3 मैच के अंदर 36, 37 और 35 का स्कोर किया, तो ओवरऑल बढ़िया फॉर्म है। 3 मैच में 30+ का स्कोर है। आपकी टीम में मस्ट हैव पिक रहेंगे, इस सीजन का फॉर्म अच्छा दिख रहा हो, काफी अटैकिंग नेचर से बैटिंग करते हैं, साथ में कीपिंग भी करेंगे तो वहाँ से भी कुछ पॉइंट जरूर देखे जाएंगे। तो ग्रैंड लीग में अपनी CBC ट्राई कर सकते हो, क्योंकि यदि जो बंदा 30-35 मैच में कर सकता है तो किसी मैच में 50 भी हो सकता है। यदि 50 रन कर गया प्लस एक तो कैच भी पकड़ लिए, तो आपको ग्रैंड लीग में कैप्टन बनाना आपका एकदम बेहतरीन ऑप्शन, मतलब अच्छी चॉइस रहेगी। तो अब एक बार GL के अंदर CBC जरूर ट्राई करिएगा एक दो टीम में, बाकी तो बल्लेबाज काफ़ी टैलेंटेड है। इनके साथ ओपन करने आएंगे कमलेश्वरन, एक राइट हैंड बैट्समैन मीडियम पेस बॉलर, लास्ट गेम में 67 की, उसके पहले 11 और 43 का स्कोर है, तो दो अच्छी इनिंग इनमें खेले हुए हैं, 67 और 43 की। और दोस्तों यहाँ पे पहले मैच में उन्होंने 2 ओवर की बॉलिंग भी कराई हुई थी, लास्ट के 2 मैच से बॉलिंग ज़्यादा नहीं करी। हालांकि दोस्तों रेगुलर बॉलर नहीं है, इस सीरीज से पहले भी उन्होंने 10 मैच खेले थे, वहाँ पर 218 रन किए थे, 27 के ओवर्स, और साथ में 1 विकेट निकाला था। सिर्फ 2 ओवर की बॉलिंग उन्होंने 10 मैच के अंदर कराई थी इस सीरीज से पहले। तो आप सबको पता है कि 10 में से 1-2 मैच में करने बॉलिंग करने वाले प्लेयर हैं, जैसा कि आपने पहले मैच में देखा 2 ओवर की, लेकिन लास्ट के 2 मैच से बॉलिंग नहीं की। लेकिन आपकी टीम में इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि बैटिंग से अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, आप इन्हें वाइस कैप्टन वगैरह भी अपनी टीम का कर सकते हैं। उसका रीजन साफ है, क्योंकि कभी भी बॉलिंग भी कर सकते हैं और बैटिंग से अच्छे फॉर्म में, तो पॉइंट आपको जरूर कुछ ना कुछ देके जरूर जाएंगे। वन डाउन बैटिंग करते हुए देखेंगे भूपिंदर चौहान, राइट हैंड बैट्समैन मीडियम पेस बॉलर, लास्ट गेम में 0 पे गए, नॉट आउट थे, 0 रन करके, विकेट ज्यादा नहीं गिरते इस टीम को। वहीं 2 ओवर की बॉलिंग करा के 1 विकेट निकाले, उसके पहले वाले मैच में 52 किए थे, 2 ओवर डाल के 2 विकेट निकाले थे, उसके पहले 14 किए तो 1 विकेट निकाला था 2 ओवर डाल के। सबसे बड़ी बात दोस्तों 2 ओवर की आपको पूरी बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे, और वन डाउन बैटिंग करेंगे और 1 50 भी लगा चुके हैं, तो बैटिंग भी ऑलमोस्ट हर मैच में इनका आ जाता है। वन डाउन बैटिंग कर रहे हैं तो बैटिंग आ ही जाएगा, तो बैटलेस से भी स्कोर कर सकते हैं, साथ में 2 ओवर के बॉलिंग करेंगे, कैप्टनसी के सबसे बड़ी ऑप्शन आपके स्मॉल लीग में रहने वाले हैं। बात करें दोस्तों सतीश जंगीर भी, की राइट हैंड बैट्समैन, थोड़ा बहुत बैटिंग कर सकते हैं, बॉलिंग हालांकि लास्ट मैच में 1 ओवर नहीं मिला, उसके पहले 1 ओवर कर रहे थे, तो आप ग्रैंड लीग के रोटेशन में ट्राई करिएगा, है तो अच्छे ऑलराउंडर, लेकिन इस टाइम बॉलिंग इनको मिल नहीं रहा ज़्यादा, और बैटिंग आने के तो मुझे आसार लग नहीं रहे, क्योंकि इनका पोजीशन भी बैटिंग में फिक्स नहीं है, 2 डाउन का कभी कभी नीचे भी चले जाते हैं, और बॉलिंग भी कन्फर्म नहीं रहता है। यहाँ से रत्नम को छोड़ दीजिएगा, कोई मतलब है नहीं। निजी गेम दोस्तों राजा रामेस, राइट हैंड मीडियम, लास्ट के 2 गेम से 2 ओवर करा रहे हैं, पहले मैच में बॉलिंग नहीं करी हुई थी, ठीक ठाक बॉलिंग कर सकते हैं, 1 विकेट मिला हुआ है, ग्रैंड लीग के ही अंदर ट्राई करिएगा। स्मॉल लीग में आपके लिए रिस्की रहेंगे थोड़ा, क्योंकि ओवर इनके कट सकते हैं, हालांकि जिनको रिस्क लेना है तो स्मॉल लीग पर भी इनके साथ जा सकते हैं। निजी गेम दोस्तों जी थिवाकर, राइट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग करते हैं, लास्ट गेम में 2 ओवर डाले, उसके पहले 2 ओवर डाले, उसके पहले 2 ओवर डाले, तो 3 मैच में 6 ओवर की बॉलिंग करी हुई है, जिसमें से पहले मैच में 3 विकेट चटकाए थे, उसके बाद लास्ट के 2 मैच में विकेट लेस रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात 2 ओवर की बॉलिंग करेंगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है प्लेयर, क्योंकि बैटिंग तो आएगी नहीं, लेकिन बॉलिंग से अच्छा कर सकते हैं। नीचे देखेंगे दोस्तों गौतम श्रीनिवास, मुझे कुछ खास लगे नहीं, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग कुछ मिलेगा नहीं। श्रीहरिचार की बात करें, 1-1 ओवर की बॉलिंग करा रहे हैं, सिर्फ रोटेशन में स्मॉल लीग आपने छोड़ देना है। नीचे देखेंगे दोस्तों यहाँ पे मगेश एस, 3 मैच के अंदर उन्होंने 2 ओवर डाले हुए हैं, तो ये भी रिस्की पिक रहेंगे, आप इनको भी छोड़ सकते हो। तजवीर सिंह जरूर ट्राई करिएगा, राइट आर्म मीडियम, लास्ट गेम में बंदे ने 2 विकेट निकाले 2 ओवर डाले के, लेकिन उसके पहले 2 ओवर डाल के 1 विकेट मिला हुआ था, टोटल 3 मैच के अंदर 3 विकेट ले चुके हैं, तो आप इनको भी पिक कर सकते हो, क्योंकि ये भी आपको 2 ओवर की बॉलिंग करते हुए दिखने वाले हैं। बेंच के कुछ प्लेयर हैं, स्टैट्स देख सकते हैं, शायद ना खेलें। तो दोस्तों आपके सामने फॉर्म्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो KGS का एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर लगभग आपको देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मैच की, जो हमारी दूसरी टीम रहने वाली है यहाँ पे TIT की, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं मैच का फाइनल अपडेट, फाइनल टीम टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक दिया हुआ इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, फर्स्ट कमेंट पिन किया हुआ लिंक पर क्लिक करके तुरंत टेलीग्राम से जुड़ जाइए।
दोस्तों टीआईटी ने 3 मैच खेले हैं, 1 मैच में जीत हासिल किया हुआ, 2 मैच में हार का सामना करना पड़ा। इनकी तरफ से ओपनिंग करते हुए दिखेंगे सिद्धार्थ नायडू और न्यू जलपन करने आएंगे जय पांडे। बात करें दोस्तों नायडू की राइट हैंड बैट्समैन विकेट कीपर बल्लेबाज, 3 मैच में से 6-20-0 का स्कोर है। मुझे कुछ खास परफॉर्मेंस लगी नहीं, आप जीएल के रोटेशन में चाहें तो एक आध टीम में ट्राई कर सकते हो, सानुअल टीम की बट ज़्यादा बढ़िया रहेंगे क्योंकि वो ज़्यादा टैलेंटेड बल्लेबाज हैं। जय पांडे की बात करें राइट हैंड बैट्समैन पार्ट टाइम मीडियम पेस बॉलिंग करते हैं, लास्ट के 2 गेम से दोस्तों एक एक ओवर की बॉलिंग भी कर रहे हैं। 3 मैचेस में से शुरुआत के 2 मैच में तो बैटिंग से फ्लॉप हुई, लेकिन लास्ट मैच में बल्लेबाज बैटिंग से 43 रन का स्कोर किया। तो मेरे हिसाब से ये प्लेयर आपकी टीम में जरूर होना चाहिए, एज अ प्लेयर जरूर ट्राई करिएगा क्योंकि एक आध ओवर की बॉलिंग करेंगे तो क्या पता एक आध विकेट निकाल जाए, और बैटिंग से कभी भी अच्छा कर सकते हैं। तो ग्रैंड लीग में सीबीसी भी आप एक आध टीम में ट्राई कर सकते हो। कौशल प्रजापति लास्ट गेम 0 रन, 1 ही मैच खेले हुए हैं तो रिस्की भी रहेंगे क्योंकि 1 मैच के बेस पे आप किसी भी प्लेयर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। बात करें दोस्तों आमिर जिशान की, राइट हैंड बैट्समैन ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते हैं, हैं काफ़ी टैलेंटेड ऑलराउंडर लेकिन अभी तक बैटिंग से उतना कुछ खास नहीं कर पाए। लास्ट गेम में 17 किए, उसके पहले 2 और 1 का स्कोर है, लेकिन 1 ओवर की बॉलिंग भी 2 मैच में करी हुई है, यहाँ पर 1 विकेट निकाला हुआ है। ओवरऑल अच्छे भी हैं, अपनी टीम एज ए प्लेयर ट्राई करिए क्योंकि 2 डाउन बैटिंग करेंगे तो बैटिंग भी आ जाएगा, साथ में एक आध ओवर बॉलिंग करेंगे तो हो सकता है एक आध विकेट मिल जाए। तो आमिर जिशान को भी आप जरूर ट्राई करिएगा, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन मत बनाइएगा। जयप्रकाश मणिकनंदन की बात करें राइट हैंड बैट्समैन, लास्ट गेम में 16 की, उसके पहले 4 और 36 का स्कोर है। 3 मैच के अंदर इन्होंने सिर्फ 2 ही ओवर डाले हुए जो कि पहले मैच में डाले थे, और 1 मैच में 36 का स्कोर है। तो बैट फर्स्ट में ट्राई कर सकते हो, जीएल के रोटेशन में बैट सेकंड में रिस्की हो जाते हैं। उसका रीजन साफ है कि बैट सेकंड में अब थोड़ा रिस्की पिक इसलिए है क्योंकि हो सकता है उतना बैटिंग ना आए। थरुन को आपने छोड़ सकते हो, बहुत नीचे खेल रहे हैं। आरबीजे लेफ्ट आर्म पेसर है, लास्ट गेम में विकेट लेस रहे 1.3 ओवर, लगभग 2 ओवर कराए, उसके पहले 2 विकेट 2 ओवर डाल के उसके पहले 2 पे 0। तो ये 2 ओवर की बॉलिंग कराएंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे, बॉल फर्स्ट में थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आप विजय को भी जरूर ले लीजिएगा। नीचे देखेंगे दोस्तों एस गुरविंदर सिंह, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, लास्ट गेम में 2 ओवर डाल के 1 विकेट निकाला, उसके पहले 2 पे 1, उसके पहले 2 पे 1, तो 3 मैच में 1 विकेट निकाला हुआ है और 3 मैच में 2 ओवर की कंप्लीट बॉलिंग भी करी हुई है। तो आप इनके साथ जरूर जाएगा, 2 ओवर आपको डालते हुए नजर आएंगे। नितिन को आप छोड़ सकते हो, यहाँ से अविन मैथुर, ये भी 2 ओवर की बॉलिंग करा रहे और इन्होंने भी 3 विकेट निकाले हुए 3 मैच के अंदर, तो आप इनको भी पिक कर सकते हो, भी अच्छी पिक रहने वाले हैं। उज्जवल कुमार सिंह को जीएल में रोटेट कर लीजिएगा, लास्ट गेम में 1 ओवर डाला, उसके पहले 2 ओवर की बॉलिंग करी हुई थी, 3 विकेट निकालने में ये भी सफल रहे हैं। बेंच में एक प्लेयर है शायद ना खेले। तो दोस्तों आपके सामने कौन सा है टीआईटी का एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर लगभग आपको देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस मैच की, जो हमारा टीम कैसे टीम देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं फाइनल अपडेट फाइनल टीम टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक दिया हुआ इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में, क्लिक करके तुरंत टेलीग्राम से जुड़ जाएं। तो दोस्तों उस मैच का टीम क्या है, चलिए टीम देखते हैं। दोस्तों बात करें विकेट कीपिंग सेक्शन की, तो इसमें ए राज के साथ जा रहा हूँ, विकेट कीपिंग सेक्शन से एकमात्र स्मॉल लीग में यही बेस्ट ऑप्शन है। बैटिंग सेक्शन दोस्तों मैंने ऐसे ए कमलेश्वरन और ऐसे जी थिवाकर और ऐसे जय पांडे को अपनी टीम में रखा हुआ है। ऑलराउंडर सेक्शन से भूपेंद्र चौहान और ऐसे ए जीशान। बॉलिंग सेक्शन दोस्तों एस गुरविंदर सिंह, एस चंगीर भी और ऐसे मैंने अविन मैथू और ऐसे आर विजी और ऐसे टी सिंह को अपनी टीम में रखा हुआ है। अब दोस्तों इनको रखने का स्पेशली ऐसे एस चंगीर भी को क्या रीजन है, मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। शुरुआत के 2 मैच में 1 ओवर की बॉलिंग भी उन्होंने करी हुई थी, प्लस 2 डाउन बैटिंग कर रहे थे। लास्ट मैच में 2 डाउन ही मेंशन थे, बैटिंग तो नहीं आया था, लेकिन लास्ट मैच में बॉलिंग नहीं करी। लेकिन है काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट दे सकते हैं, कभी भी अपनी 2 ओवर की पूरी बॉलिंग डाल सकते हैं। नहीं, आज के मैच में देखना पड़ेगा इनकी टीम में कितने बॉलर खेल रहे हैं, कितने ओवर इनके चांसेज हैं, उस हिसाब से हम इनको पिक करें क्योंकि बैटिंग से बैकअप भी देते हैं ना। 2 डाउन बैटिंग करने आ रहे हैं तो बैटिंग भी इजिली आ जाता है। तो अभी के लिए जंगीर भी है, लेकिन इस प्लेस में आफ्टर टॉस देखते हैं क्या कुछ हो सकता है चेंज। कैप्टन बी चौहान सेफ ऑप्शन, वाइस कैप्टन कमलेश्वरन है। वाइस कैप्टन आप ट्राई करना चाहें थोड़ा रिस्क लेके तो आप जय पांडे कर सकते हो, ज़्यादा रिस्क लेना चाहें तो जिशान को कर सकते हो, इसके अलावा बैटिंग से करना चाहें तो ए राज को भी कर सकते हो। तो कुछ जीएल के सी बी सी ऑप्शन थे, बाकी टीम यही रहेगा। अभी के लिए मैं इसी टीम से कॉन्टेस्ट अपने ज्वाइन कर रहा हूँ, लेकिन फाइनल टीम नहीं है, आफ्टर टॉस इसमें थोड़ा बहुत अपडेट भी हो सकता है। तो जो भी फाइनल टीम होगी आफ्टर टॉस टेलीग्राम पर अपडेट हो जाएगी, लिंक दिया हुआ है इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में पिन किया हुआ लिंक पर क्लिक करके तुरंत आप टेलीग्राम से जुड़ जाएँ। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद।